चलो आगे चलते हैं। अब आपको फिर से लेकर चलते हैं बनारस की गलियों में। यूपी की दोस्तों, यहाँ की हमारी कला को दिखाया गया है और तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है। भिन्न भिन्न तस्वीरें लगाई गई हैं यहाँ उनकी कला को। हाँ, लेकिन एक सेकंड, इस सफर को हम शुरू से देखते हैं ना। इस सफर की शुरुआत पटियाला रेलवे स्टेशन से हुई थी, तो चलो वहीं से शुरू करते हैं। May I have your attention, सभी का सुप्रभात एंड हर हर महादेव। आज जो है हमारी सुबह बनारस के अंदर हुई है। यहाँ देखो सुबह सुबह जो है मैया गंगा के दर्शन कर रहे हैं हम, एंड कितना मज़ेदार और मनमोहक व्यू है। यहाँ मेरे कुछ मित्र मंडली है। सुबह सुबह हम रेडी हुए हैं और दशाश्वमेध घाट जा रहे हैं। वहाँ हम जाके स्नान करेंगे और साथ ही में जो है हमारे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। और आप सभी के लिए भी मनोकामना मांगूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहें और आयुर्वेद का पालन करते रहें। तो कर ले तू कर ले पहला। और क्या बैठ गया है। कहाँ जा रहे हो कितने रुपए लोगे? वैसे बताओ। हाँ जी, हम 14 जने हैं। हाँ जी, सवारी में जाएंगे, कितना पर्सनल रहेंगे? इकट्ठे जाएंगे सारे। स्नान कर कर आपको राजा हरिश्चंद्र जी इधर में है, मणिकर्णिका घाट इधर में। हाँ जी, ठीक है। आपको मंदिर वाले गेट पे ड्रॉप करवा दें। ठीक है, बताइएगा। उस पर जाएंगे तो घोड़ा है, उसे अपना सवारी करेंगे। अच्छा अच्छा, उधर टेंट हाउस की ओर। हाँ उधर टेंट हाउस। अच्छा, उसके हमें अलग चार्ज होंगे ना? जाएंगे वहाँ पता करेंगे, स्टार्टिंग है 5,000 से लेकर 50,000। अच्छा, जब आप बनारस जाओगे तो आपको ये लोग मिलेंगे जिन्हें हम बोटमैन के नाम से जानते होते हैं। ये नौका विहार करवाते हैं आपको बनारस के अंदर, साथ ही में आपको वो चीज़ें बताते हैं जो आपको इंटरनेट के ऊपर नहीं मिलेंगी। बनारस की खासियत, बनारस की सुंदरता आप इनकी भाषा के, इनके शब्दों के द्वारा देखने की प्रयास करना, आपको बहुत ही आनंद आएगा। महादेव, चलो भैया महादेव आ रहे हैं। यार व्यू 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 देखो भाई, व्यू मजेदार नहीं है? गदौलिया चौक से दशाश्वमेध घाट तक बनारस की मनमोहक गलियों में टहलते टहलते हम इन प्राचीन सड़कों से गुजरे। हम हर कदम पर शहर के इतिहास और आध्यात्मिकता को महसूस कर सकते थे। दशाश्वमेध घाट पर पहुंचते ही हम हवा में एक अद्भुत सी ऊर्जा महसूस कर सकते थे। सिकड़ी हुई गलियां और हलचल भरी सड़कों से अचानक माँ गंगा का मनमोहक दृश्य जब प्रस्तुत होता है तो बहुत ही आनंद मिलता है। अब जो है हम जा रहे हैं अपने मेन कॉरिडोर की ओर। वहाँ से जाते जाते हम नाव जाएंगे अभी एयरपोर्ट में, घाट घाट होते हुए जा रहे हैं। तुमने पहले नहीं बोला, मेरे को लिया नहीं वीडियो, वरना मैं बहुत अच्छी लाइन बोल रही थी। अब नहीं बोलूँ ना, वो हो गया, रीटेक होते हैं भाई वीडियो। वो तो कपड़े चुराने वाली बोलने वाली थी। मैं कहा अब ये रेडी है गंगा में डुबकी लगाने के लिए और मैं रेडी हूँ इनके कपड़े चुराने के लिए। ये क्या बात करते हैं यार। तो हम जो है अब ललिता घाट पर आए हैं एंड यहाँ का नज़ारा देखो, कितनी स्वच्छता, कितनी सुंदरता है।
तो दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेन कॉरिडोर बनाया है हमारा, जो काशी विश्वनाथ जी का है। और कितना सुंदर है, देखो इसकी सुंदरता देखो। साथ ही में जो है मणिकर्णिका घाट है। बनारस के अंदर हमारा आरोग्य संसद करके जो है एक सेमिनार होने वाला है, सभी वैद्य जो है वहाँ इकट्ठा होंगे, आयुर्वेद के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वो जो है हमारा 23 और 24 अप्रैल को है। शूट कर दे रहा है। ओम नमः शिवाय। एलोवेरा होता ना? हाँ जी हाँ। ठीक है, एलोवेरा को काटा उसका जो नीचे होता है, 7 दिन तुम खा लोगे ना तो तुम्हारे अंदर भी जो जख्म होंगे अभी आएगा नहीं। बात मानना बहुत हमारी, हम खुद वैद्य हैं जी, हम पंजाब के रहते हैं, हम आज यहाँ आए हैं। जगह पंजाब है, पंजाब पटियाला से। इधर आ जाओ, चल ला हरी इधर। अच्छा अच्छा जी, गवांडी तो यूपी भी है। तो मैंने जो है आप सभी को डाइसेक्शन वाली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर मेरा काशी जाने का कोई भी प्रोग्राम बनता है, अगर महादेव कृपा करते हैं, तो मैं ज़रूर आना चाहूँगा। और महादेव ने सच में मेरी सुन ली है ना, उन्होंने जो है कुछ ही दिनों के अंदर हमें जहाँ आने का न्योता दिया और मैं अपने मित्रों के साथ आया हूँ। और उससे भी ज़्यादा बढ़िया खास बात क्या है कि मेरा 22 तारीख को यानी कि 22 अप्रैल को जन्मदिन है और मैं बाबा के जो चरणों में बैठकर अपना जन्मदिन जो है मनाऊँगा, अपने सभी मित्रों के साथ मनाऊँगा, खास करके मेरा भाई जो मेरे साथ है हैरी, तो मेरा हरी भैया। तो यूपी आके हमारे भाई का जो नामकरण हुआ है हरी भैया, तो हरी हो गया, हरविंदर सिंह से हैरी हुआ था, हैरी से अब हरी भैया हो चुका है और हम यही बुलाएंगे आगे जाके। हरिओम। ये हमारी प्यारी सी दोस्त नितिशा। हेलो गाइस कर लो। चलो दोस्तों, फाइनली अब जो है हम दर्शन कर आ चुके हैं। सुबह से भूखे बैठे हैं, अराउंड हमें 3-4 घंटे लग गए और आप हम मेरे पीछे देख सकते हो बाबा का दरबार है। अभी बस कर आए हैं, दोपहर के 12 बज चुके हैं। आप सभी को एक चीज़ ही रिकमेंड करूंगा कि भैया अगर खुले दर्शन करने ना, सिर्फ सुबह मंगल आरती के समय आना। कल को मेरा जन्मदिन है, अगर भगवान की कृपा रही तो मैं भी सुबह जो है जल्दी आऊँगा, अभी खाली खाली दर्शन करेंगे और स्पर्श दर्शन होते हैं वो करेंगे, बाकी देखो ठीक है। अच्छा, कैसा लगा यूपी में आके? कौन आई ना, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है।
तो चलो अब जो है हम थोड़ी बोट की सवारी करते हैं और सारी घाटों में घूमते हैं, साथ ही में जो है गंगा आरती देखेंगे मजे से। तो हमने बोट बुक कर लिया पूरी हमने पूरी बोट बुक कर ली है ऐसा डे ड्राइवर है कर रहे अब हम बोट के थ्रू गंगा के अंदर नौका विहार करते करते दशाश्वमेध घाट पहुंच गए थे, जहां पर रात्रि की गंगा आरती होती है। ना तो हमें यहां से कुछ इतना ज़्यादा अच्छे से दिखा था, ना आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो आओ चलो आपको पास लेकर चलते हैं गंगा आरती के। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हाँ, मेरा जन्मदिन है, बहुत ही अच्छे जो है आज दर्शन हुए हैं हमारे बाबा विश्वनाथ जी के। कल के हिसाब से भीड़ बहुत कम है, बहुत कम है। कल तो यहाँ पर जो ये लाइनें हैं ना भाई, ये सारी की सारी लाइनें सारी भरी हुई भाई, ठीक है। तो आज तो बहुत ही खाली है, आज तो बहुत ही जल्दी हो जा रहा है दर्शन। तो आइए सब साथ मिलकर महादेव जी के चरणों में नमन करते हैं और साथ में एक जयकारा लगाते हैं, नमः पार्वते पते हर हर महादेव। वाराणसी का यह मंदिर बाकी सभी मंदिरों से बिल्कुल ही अलग, भारतीय आर्किटेक्चरल स्टाइल से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता। यह मंदिर नेपाली वास्तुकला को अपने अंदर संजोए हुए है, इसीलिए इसे नेपाली मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ पर पशुपतिनाथ जी स्वयं शिवलिंग के रूप में विराजमान है। तो अगर आप भी गंगा द्वार की ओर जाएं, तो यहाँ पर जाना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ से खड़े होकर माँ गंगा और दूर तक बनारस के सभी घाटों का दर्शन एक ही साथ हो जाता है। यहाँ पर मुझे एक बाबा मिले जिन्होंने कहा, जाओ बच्चा जाकर महादेव को अपने दिल की व्यथा सुनाओ और दिल खोल कर सुनाओ, वह तुम्हारी जरूर सुनेंगे। तो आइए आप लोग भी अपने अपनी प्रार्थनाएं महादेव जी के चरणों में रखें। मैं भी महादेव जी को कहता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। तो दोस्तों अब जो है हम सीधा ललिता घाट से मणिकर्णिका घाट की ओर आए हैं, सीताएं जल रही हैं। यह है मणिकर्णिका घाट के डोमराजा जी का घर है और ऐसा माना जाता है कि महादेव के समय से ही यहाँ जलने वाली हर चिता की पहली 5 लकड़ियाँ डोमराजा ही देते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा बोलने का जी नहीं कर रहा, आज जब मैं 20 साल का हो चुका हूँ मैं मणिकर्णिका घाट पर खड़ा हूँ और मैं जलती हुई चिताओं को देख पा रहा हूँ, जो मुझे बहुत सारी चीज़ों का स्मरण कराती हैं कि भैया ये जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है जो कि नश्वर रहेगा, बहुत ही जल्दी हमारे इस पंचभूत को भी जो है अग्नि दे दी जाएगी।
यहाँ से सीधा जो हम दश अश्वमेध घाट है ना, वहाँ से लेकर सीधा ललिता घाट तक, और यहाँ पर जो है हमारा मणिकर्णिका घाट दिख रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, सामने हमारे सूर्य उदय हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल एक सीनरी की तरह है। पीछे पहाड़ से दिख रहे हैं, ऊपर सन है, यहाँ पर नौका विहार हो रहा है ना, कितना ऐसे ही लग रहा है कि सीनरी हो। काशी का ये एक ऐसा मंदिर जो इटली के लीनिंग टावर से भी 5 डिग्री ज्यादा झुका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा मंदिर है जो तकरीबन 9 डिग्री तक झुका हुआ है, जबकि लीनिंग टावर ऑफ पीजा केवल 4 डिग्री तक ही झुका हुआ है। इसकी और एक विशेषता है कि यह साल के तकरीबन 6 महीने स्वयं माँ गंगा इनके अंदर के स्थित शिवलिंगों का अभिषेक करती है। बाकी के 6 महीने में भी इस मंदिर के कपाट शाम को केवल 7:30 बजे के बाद ही खुलते हैं। श्रावण महीने से जब वर्षा ऋतु के कारण माँ गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो यह मंदिर जलमग्न हो जाता है। बहती है गंगा धारा शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगा धारा शंकर तेरी जटा। तो दोस्तों अब जो है हम आए हैं काशी के कोतवाल काल भैरव जी के मंदिर, जहाँ पर हमें आकर पता लगा है कि काशी आने के बाद काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने से पहले स्वयं काल भैरव जी से आज्ञा लेनी चाहिए कि प्रभु हमें काशी में कुछ दिनों के लिए निवास करने की आज्ञा प्रदान करें। Thank you.
हथियारों के संसद होने वाली है। जैसा कि आप सभी को बताया था मैंने, 23 और 24 तारीख को, आज 23 तारीख का पहला दिन है, यज्ञ होगा शुरू 8:30 बजे। तो उससे पहले हमें मैंने सोचा कि चलो जो मंदिर रह गए हैं मेरे वो कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले संकट मोचन महावली हनुमान जी जाएंगे, तुलसी मानस जाएंगे, इसके अलावा जो दुर्गा जी का मंदिर है वहाँ जाएंगे। तो भैया हम जो आए अब संकट मोचन महावली हनुमान जी के मंदिर, यहाँ पर मेरे ख्याल से अंदर जो है फ़ोन अलाउड नहीं है, तो अब मैं दर्शन कर कर आता हूँ। तो दोस्तों अब जो है हम दुर्गा कुंड आए हैं, तो माता के दरबार के बाहर खड़े हैं, साथ में हमने ये छोटी सी भेंट ली है माँ के लिए। तो हम आए हैं तुलसी मानस मंदिर, जो कि हमारे धर्म संघ के बहुत ही पास है, और ये 3-4 मंदिर जैसे कि संकट मोचन हो गया, तुलसी मानस हो गया, दुर्गा कुंड हो गया, ये सभी एक ही साथ है, एक ही लाइन के अंदर आते हैं। रामचरितमानस की रचना की थी, और उसी को दर्शाते हुए जो है यहाँ पर दीवारों के ऊपर सारी की सारी चौपाई का जो है वर्णन है यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर बहुत ही अच्छे जो है कलाकृतियाँ हैं। दोस्तों यहाँ की हमारी कला को दिखाया गया है, और तुलसीदास जी के बारे में बताया गया है, भिन्न भिन्न तस्वीरें लगाई गई हैं यहाँ उनकी कला को। हाँ तो भैया मिले हैं हमें बनारस की गलियों में, हमने यहाँ से डमरू लिया है और एक हमारा शिव परिवार की जो है मूर्ति ली है, बहुत ही सुंदर, और दिखाना भैया एक पंजाब का छोरा मिला है। चलो बढ़िया है, आपसे मिल का छोरा है, पंजाब मक्खन की रोटी सरों का साग पान खाते तो अलग बात होता है ना। तो भैया बता रहे हैं साउथ इंडिया के अंदर किस कारण से इतने जने हैं? गंगा पुष्कर है। अच्छा जी, समझ के महाकुंभ होता है इसे, यहाँ गंगा 12 दिन का स्नान होता है। अच्छा, ये सब साउथ इंडियन ज्यादा करके आते हैं। हाँ, तभी हैदराबाद, विजयवाड़ा, कर्नूल, बेंगलोर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ठीक है, ज्यादा करके वही लोग आते हैं। ठीक है, मैं वही देखा। इतना मैंने साउथ इंडियन आज तक नहीं देखा मैंने, इतना साउथ इंडिया, और मुझे, तरफ के लोग आते मुझे अच्छा लगा बहुत ज्यादा। यहाँ पर इतने सारे ब्राह्मण है ना, हर एक नहीं मतलब हर एक साधु संत वगैरह, तो मुझे ऐसा था कि हर एक के आशीर्वाद मिल जाता है यहाँ पर। कहने को है अब तो मैंने क्या चोला पहने के साधु हो गया, ऐसे तो मैंने भी धोती पहन के गया था। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन सांसों को, आहों को, मेरे गुनाहों की मिल रही है कोई सजा, जन्नत कहाँ बिना।
तो ये जो है ये बनारस का पान खाए हैं हम। पान बनारस वाला बहुत ही मजेदार है। क्यों झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा था लल्लभा। ब्रांड में गाल के तो लगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः हर हर महादेव। तो आप सभी दर्शकों को बता दूं, मैं आज जो है अपने पूरे टूर के अंदर जो है तीसरी बार काशी विश्वनाथ जी के दरबार पर आया हूं। मैंने अंदर माथा टेका है। तो आज जो है मैं तीसरी बार दर्शन करने आया हूं। इसका कारण ये है कि मुझे स्पर्श दर्शन करने थे, वो कई बार मैं दो बार पहले भी आया तो हो नहीं पाए, तो इस बार जो है मैं फिर से आया हूँ।
बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत मतलब ना कृपा हुई है और आज जो है मेरे दर्शन हो चुके हैं। साथ ही में एक और बात, जो मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने एक बार किया, कईयों ने दो बार किया, लेकिन मैंने प्रयास जारी रखा, मैंने तीन बार किया है और भगवान ने सच में जो प्रयास करता है ना उसको फल देता है और मुझे सच में फल मिला और मुझे जो है स्पर्श दर्शन करने का मौका मिला है। मुझे सच में ऐसा लगता है कि अब जो है मेरी काशी यात्रा जो है सफल हो चुकी है। ये हमारे वैद्य जाते हुए और चले गए। भाई चलना निकल गए। हेलो जी नमस्ते। हेलो जी नमस्ते। मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए नमो घाट का मनमोहक दृश्य, यहाँ का व्यू। ना बोल, नहीं तुम नहीं कर सकते, मैं करूँगा तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी को फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।